इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप एक नॉर्मल प्रिंटर से बड़ा, बहुत ही बड़ा प्रिंट आउट कैसे निकाल सकते हैं। अगर आपकी इमेज क्वालिटी कम है तो थोड़ा फोटोशॉप कर लीजिए और उसका पिक्सल्स को बढ़ा लीजिए, ताकि जब भी वो हाई क्वालिटी या तो बड़ा प्रिंट आउट हो वो पिक्सल्स फटे ना। फिर आप एक MS Word में नया डॉक्यूमेंट क्रिएट कर लीजिए और इसमें अपना हाई क्वालिटी इमेज को इम्पोर्ट कर लीजिए। फिर आते हैं पेज के मार्जिन पे। आपको कम से कम मार्जिन सेट करना है जितना आपके प्रिंटर अलाउ करता है। फिर अपने हिसाब से पेज का ओरिएंटेशन को सेट कर दीजिए। मैंने लैंडस्केप ओरिएंटेशन को सेट किया है। उसके बाद आप इमेज को थोड़ा रिसाइज कर दीजिए अपने हिसाब से। मैंने इमेज को बिहाइंड द टेक्स्ट कर दिया ताकि उसे इजीली ड्रैग कर सके और प्लेस कर सके। फिर आपको प्रिंट ऑप्शन में जाना है, उसके बाद प्रिंट प्रॉपर्टीज। इस पे आपको मल्टी पेज ड्रॉपडाउन में जाना है और यहाँ पे आप 2 अप या 4 अप देख रहे हैं। पोस्टर का ऑप्शन यहाँ पे नहीं दिखा रहा है क्योंकि यहाँ पे 2-sided प्रिंटिंग ऑन है, इसे आप ऑफ कर दीजिए। ये देखिए पोस्टर का ऑप्शन आ गया है। इसमें हम पहले सेलेक्ट करेंगे 2:1 पोस्टर, ये अपने इमेज को डबल साइज कर देंगे। फिर ओके प्रेस करना है और फिर प्रिंट पे क्लिक कर देना है। अब हमारा इमेज 2 पेपर में प्रिंट आउट हो चुका है। अब जो मार्जिन बचा हुआ है उसे हम लोग कैंची से काट के निकाल देंगे और फेविकॉल के मदद से उसे आपस में जोड़ देंगे। और एक पोस्टर ट्राई करते हैं, पर इसमें हम लोग 2:2 पोस्टर साइज लेंगे, जहाँ पे हमारे इमेज को ये 4 गुना बड़ा करके प्रिंट आउट करेंगे। और इस तरह हमारा इमेज 4 पेपर में प्रिंट आउट होगा। अब इसके मार्जिन को हम लोग काटेंगे थर्मोकोल कटर से, जो कैंची से बेहतर काटता है। अब हमारा फाइनल इमेज रेडी हो चुका है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर देना, और चैनल में नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।